हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो अब जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, मैं आज बात करूंगा एनडीए के बारे में। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। जब एनडीए का नाम लेते हैं ना भाई लोगों, सबके मुंह में ऐसे मतलब बोले तो ऐसा हो जाता है, सब लोग एनडीए एनडीए में जाएगा, एनडीए में है क्या? क्या भाई एनडीए में जरा क्या बात है, रिश्तेदार एनडीए में, ओ माय गॉड। मतलब एनडीए का नाम सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे देश को लीड कर रहा है भाई। एक ऐसा एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना जो है ना भाई हर पेरेंट्स का है। हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा जो है एनडीए में जाए। लगभग हिंदुस्तान के हर पेरेंट्स का सपना है। अब और ज्यादा बढ़ गया है नहीं है? अब और ज्यादा बढ़ गया है एनडीए में जाने का सपना जो है ना स्टूडेंट्स का, और ज्यादा बढ़ गया है। पहले पीसीएम वाले का ज्यादा रुझान होता था, मैथ्स वाले, अब भाई वाले भी लाइन में आ गए। कॉमर्स, आर्ट्स, हर कोई जा सकता है, हर कोई जा सकता है। अब तो गर्ल्स का नंबर भी आ गया है, पहले रिक्रूट तैयार हो रहे हैं हमारे गर्ल्स लोग, ठीक है ना। तो एनडीए का जो सपना है ना भाई, आने वाले टाइम में सिटी भी बढ़ेंगी, आने वाले टाइम में, ठीक है ना, वैकेंसी बढ़ेंगी, इसका मतलब ये वैकेंसी बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। तो एनडीए जो एग्जाम है ना भाई, मतलब मैं एनडीए यहां से बोल रहा हूं ना, आपको भी आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे ना, इतना भयंकर एग्जाम है। जो चले गया ना, ड्रीम है भाई, सल्यूट है उनको। हर कोई निकाल सकता है एनडीए का एग्जाम, हर कोई। एक होती ना प्रोसेस, किसी जब कोई गेम होता है, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी है, कोई बंदा स्टार कैसे बनता है, स्टार जब वो किसी प्रोसेस से गुजरता है ना, या वो किसी के अंडर ग्रूम होता है, तब वो स्टार बनता है, तब वो प्रसिद्धि हासिल करता है, तब वो अपना गोल जो है ना अचीव करता है। सेम फॉर एनडीए एग्जाम। एग्जाम रिटर्न जो है बहुत आसान है, और एसएसबी भी वो निकालते हैं जिसका माइंडसेट जो है पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट। बस देयर इज नो इफ बट, ही हैज अ क्लियर आंसर अबाउट एनीथिंग एल्स, वो एसएसबी निकालता है। हर बंदा, हर दूसरे बंदे से मिलोगे आप जो कोई 11th 12th में पढ़ता है, पूछोगे एनडीए में जाना चाहता है तो हां बोलेगा। हर तीसरा बंदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम, जे एग्जाम जो दे रहा है वो भी एनडीए दे रहा है। लोग आईआईटी में क्वालिफाई करके, आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करके भी एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं, और वहां छोड़ के एनडीए में सिलेक्शन लेके एनडीए में जा रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। लोग जो है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, आईआईटी रुड़की में है नहीं है, वहां से दोबारा से एनडीए का पेपर देने के लिए आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर। दे आर इन कॉलेज बट दे वांट टू ज्वाइन एनडीए। पहली बार में नहीं हुआ उनका, किसी तरीके से नहीं हुआ होगा एनडीए का एग्जाम, बट स्टिल दे वांट टू गो इन एनडीए। जबकि वो एक अच्छा सा रेपुटेड कॉलेज उनको मिला हुआ है ना, लेकिन उनका ड्रीम एनडीए भाई। एनडीए एक जादू है। ऑफिसर रैंक ही अलग है। देश को लीड करना है, चीन के साथ भिड़ना है, पाकिस्तान के साथ भिड़ना है, और लीड करना अपनी सेना को। वाह क्या मजा है एनडीए में। आपका टारगेट है एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने का, क्या आप सोचते हैं एनडीए में जा सकता हूं? यू कैन, आप जा सकते हैं भाई, हर कोई जा सकता है। चाहे मेरा ये वीडियो जो है गर्ल्स देख रहे हो, चाहे बॉयज देख रहे हो,
जिसका यू नो रनिंग ब्लड है ना, हॉट रनिंग ब्लड जिसके शरीर में गूंज रहा है ना भाई, मेरी बात है सिर्फ दो तीन मिनट सुन लीजिए, तो फिर यू नो एंडे हो सकता है आपके और पास आ जाए। ये फोबिया है, पता है एंडे का एग्जाम बहुत टफ आता है, नहीं आता है टफ, वो अलग बात है। देखो मैं बता रहा हूं ना, प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो किसी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर प्रोसेस से गुजरोगे ना, आप एंडे का हर बार का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, हर बार एग्जाम रिटर्न एग्जाम जो है हर बार क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि पेपर इतना आसान पेपर आता है। इंग्लिश आती है 200 नंबर की, साइंस 200 नंबर का, जीएस 200 नंबर का, 600 नंबर का हो गया, और 300 नंबर की मैथमेटिक्स, 365, 70, 75 ये मेरिट जाती है 900 में से। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लो, साइंस 10th क्लास तक के, 9th, 10th, 11th, 12th तो छूता ही नहीं है, बहुत कम छुएगा, वेरी वेरी लेस, क्योंकि वहां पर जो है ना आर्ट साइड वाले भी एग्जाम देने आते हैं, कॉमर्स वाले भी एग्जाम देने आते हैं, वो 11th, 12th फिजिक्स तो केमिस्ट्री पढ़ के थोड़ी आएंगे भाई, जनरल साइंस आती है वहां पे 9th, 10th लेवल, थोड़ा सा लूसेंट पकड़ लो साइंस की, बस फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल थोड़ी आते हो, एक बॉल था आसमान में जाके गिर गया, ब्लाउ कितनी वेलोसिटी से जाके नीचे गिरेगा, या उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी बताओ, दो तीन केस दे दिए, अरे एडवांस वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, बहुत आसान पेपर आता है। बट वही वाली बात हो जाती है ना, आपका पहले एम्बिशन था इंडिया में जाने का, बीच में गोल हो जाता है, फिर लास्ट टाइम में याद आती है, अरे यार एनडीए की तैयारी कर रहा हूं मैं तो, अरे मैं तो एनडीए जाना है। जब तक आप किसी चीज के पीछे प्रोसेस से नहीं गुजरोगे ना, और एक बात याद रखना, आपको किसी के अंडर ग्रूम होना पड़ता है, किसी की बात माननी पड़ती है, किसने बोल देना इतना करना है, इतना करना है इसके एग्जाम के लिए, तो आपको आंख बंद करके वो चीजें अंदर लेनी है, गेन करना है उस चीज को, उस टिप्स को, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, यू विल क्लियरिफाई योर एग्जाम। अरे एनडीए एग्जाम है भाई, है नहीं, मेंटेलिटी का फर्क है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हाँ मैथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स में थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप, 50-50 क्वेश्चन रोज लगाओ, बस अभी से लेकर लास्ट तक, तो आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, जेई के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, एनडीए तो होगा ही होगा, आपको थोड़ा सा ना एमसीक्यू लेवल वाले, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करने हैं एनडीए के लिए। जीएस आपको पढ़ना है, ठीक है, अब जहां भी पढ़ रहे हैं तो आपको जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं कि जीएस का कोई सिलेबस है, ठीक है, तो इतिहास भूगोल ये चीजें हैं भाई, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ जाता है यहां से, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, तो उसको पढ़ना है आपको, थ्योरी है वो तो पढ़ना है, रिविजन करते बार बार रिविजन करो, संसद में कितने सीटें होती है, लोकसभा में कितने सीटें होती है, कितने विधानसभा चुनाव में कितने सीटें कहां है, ऐसी चीजें याद करनी है आपको, ये युद्ध कब लड़ा गया था, ये तो चीज़ें भाई देखो रटेंगे तभी तो याद होगा, बार बार रिवीजन करोगे, एक बार पढ़ लो, 500 इतनी सीटें इधर हैं, 200 इतनी सीटें लोक राज्यसभा में हैं, एक बार पढ़ के थोड़ी याद हो जाएगा, बार बार देखना, उस रास्ते से आपको बार बार गुजरना पड़ेगा, तब उस रास्ते का हर एक मकान आपको याद होगा, हर एक मकान, समझ रहे हो ना, रिवीजन में आपको हर दिन जाना पड़ेगा, हर टाइम टाइम पर उस रिवीजन से गुजरना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कौन से पेज में कौन सा सवाल है, कौन सा फॉर्मूला लेफ्ट साइड है, पेज नंबर भी याद होता है बच्चों को, ऐसा बनना है आपने, एनडीए एग्जाम है, क्वालिफिकेशन बहुत आसान, बट किसी के अंडर काम करिए, किसी के सानिध्य में जाओ, गुरुजी आप ही हो जो हो, बस जो गुरुजी बोलते हैं वो करना पड़ता है, कोच बोलते ना, कोच मेंटोर ऐसे होते हैं, ग्रूम ग्रूम करना पड़ता है, ग्रूम है नहीं, मैं बताऊं यहां से ये चीजें करनी तो आपको करनी है, मैं आपको ग्रूम कर रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस से ले जा रहा हूं, तो बिना तैयारी के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे क्या, इंपॉसिबल। अपने इंग्लिश में कमांड करो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह वगैरह पढ़ो, व्हाट प्रॉब्लम होगी, है नहीं, सेंटेंस मेकिंग है, एरर्स होगी, इतना ही पढ़ना है, यही है इंग्लिश का सिलेबस, बस
बार बार रिविजन करो, हर दिन 10-10, 15-15, 20-20 वर्ड मीनिंग याद करो, बस साइंस 10th तक का देखना, बस 9-10th की किताब ले गया हो, बार बार रिविजन करो, और लूसेंट है ना, लूसेंट साइंस की, उसको पढ़ लो भाई, ठीक है। और अगर जो बंदे कोचिंग जा रहे हैं तो उनको तो चल ही रहा होगा वहां पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेवल का हल्का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से ऊपर लगेगा अरे यार क्या है, बट वो भी 9-10 सही होते हैं, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जीएस होएगी आपको, इतिहास भूगोल पढ़ना है भैया, सिंपल सा तरीका है, पॉलिटी पढ़नी है थोड़ा सा, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल है, ठीक है, बाकी मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे ना, पेपर बड़ा आसान आता है भाई, अभी आपको 360-70-80 नंबर तो लेके आना है क्वालिफाई के लिए, आप 500 लेके आओ, मेरिट में जाओ, एसएसबी की तैयारी करो अभी से। मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक दिन मैंने एसएसबी के लिए वीडियो निकाला था, मैंने बताया था एसएसबी की तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी, अगर आपका ड्रीम है इंडिया जाने का। गोलाखाल का बच्चा क्वालिफाई अगर इंडिया एग्जाम करता है तो उसके आगे जाने के इसलिए चांस होते हैं क्योंकि उसको 6th क्लास से उसको ऑफिसर जैसा बनाया जाता है भाई, उसको 9th क्लास से ऑफिसर जैसा लुक दिया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको पता है एक ऑफिसर कैसे करता है, क्या करता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसको पता है भाई, वही उनके बीच रहते हैं वो लोग, तब उनके प्रोबेबिलिटी आगे जाने के ज्यादा होते हैं अगर वो इंडिया एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो रिटन एग्जाम। अपने से सवाल करो क्या आपके अंदर ऑफिसर लायक क्वालिटी है, नहीं तो उसको आपके अंदर प्रोसेस से लाना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, इसलिए उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है अगर एनडीए क्वालिफाई कर देते हैं तो। सुबह शाम पीटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज चल रही है नहीं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, ऑफिसर पढ़ा रहे हैं, तो दे विल बिकम जस्ट लाइक दैट, यू नो, ये डिफरेंस है एनडीए और एनडीए। अगर भाई अगर एक बार एनडीए में चले जाओ ना भाई, तुम देश के जवान, देश के मतलब बहुत भयंकर आदमी हो, रिस्पेक्टेड एंड रेपुटेड पर्सन, यू नो, रिस्पेक्टेड एंड रेपुटेड पर्सनैलिटी बनेंगे आप एनडीए में जाके, तो आपका टारगेट वो होना चाहिए। गर्ल्स इतनी सुन रही है, भले आपके लिए सीटें कम है भी, ठीक है, तो कोई भी जा सकता है, यहां पर ये नहीं है यहां भाई मैं पढ़ाई में ऐसा हूं वैसा हूं, भाई एग्जाम वो निकालता है जिसकी कंसिस्टेंसी होती है। कोई होशियार बच्चा एनडीए निकालने के लिए, या होशियार बच्चे को नहीं लिखा है यहां पे कि वही एग्जाम निकालेगा, जेई एनडीए नेट का एग्जाम वही निकालेगा, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। जो कॉन्टिन्यूस मेहनत करेगा, प्रोसेस से गुजरेगा, किसी गुरुजी के सानिध्य में आके काम करेगा, उसी का सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में होता है। और जो किसी गुरुजी की बातें बोल दिया गुरुजी ने, चाहे आप जिस गुरुजी के भी सानिध्य में पढ़ रहे हैं, अगर आपने उन गुरुजी की बात मान ली ना, तो आप किसी भी एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। एंड एग्जाम तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, क्वालिफाई करने की बात आएगी तो फिर एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस देखा जाएगा, आपकी सोच देखी जाएगी किसी के प्रति क्या है, है नहीं है? आपको टास्क दिए जाएंगे, आपकी यू नो थॉट प्रोसेस, मेंटलिटी, पॉजिटिव माइंडसेट, यू नो आपकी लिसनिंग पावर, ये चीजें आपके एसेसमेंट में देखी जाएंगे, आपकी एक्टिविटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, यू नो आपका बिहेवियर कैसा है बोलने का, द वे ऑफ टॉकिंग, ये आपका इंडिया के एसएसबी एग्जाम में देखा जाता है। इसको आप चाहो, अगर बहुत खतरनाक ड्रीम है, एक होता है खाली मेरे को एग्जाम देना है, एक अगर एनडीए में जाने का ड्रीम है, तो आपको अभी से जो है चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। देखो देखो जीवन के और हिस्सों को ना, आप जीवन के जिंदगी जो भी आपके एक्स्ट्रा चीजें हैं चल लेना, अभी उनको आप कुछ समय के लिए ना अगर साइड में रख दोगे तो कहीं भाग के नहीं जाएंगे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है, उसको आप अभी थोड़े कुछ समय के लिए स्टे कर दो ना एक जगह पे, तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है तुमको, आप उसको उस चीज को बाद में ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, जो आपका ड्रीम है अगर वो आपके पास मिल गया तो, है नहीं है? तो और चीज जिंदगी का, और जो आपका एक्स्ट्रा चीजें है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, और चीजें जो है उनको आप एक साथ साइड करिए, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है उनको साइड करने में, है नहीं है? डिफिकल्टीज आ सकती है, आपका रूटीन चेंज हो सकता है, बट
यह समय की डिमांड है, समय की मांग है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उन चीजों को जो हो सकता है भाई आपके बहुत दिल के करीब है उनको आपको साइड में करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत पुख्ता और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो है ना किसी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं बात कर रहा हूं एनडीए एग्जाम की। अप्रैल में आपका पेपर है, तब तक आप मेहनत करिए, यू कैन क्वालिफाई एनडीए एग्जाम। एंड एसएसबी की भी तैयारी आप अभी से करिए, देखो चीजों को सुनो, ठीक है ना। चीजें कैसे ढूंढो, इधर से ढूंढो भाई, है नहीं है क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है एनडीए एसएसबी में, बस इट इज वेरी इजी। एनडीए है साहब, ड्रीम तो होना ही बनता है। तो ये चीजें जो है ना एनडीए के बारे में आज डिस्कस करी, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ड्रीम क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बहुत एक दो बहुत सारे के बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो सर एनडीए में साइंस कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, है नहीं है। तो मैं आपको चीजें बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कुछ, ठीक है ना। अगले लेक्चर मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा दिन रात 24 घंटे 24/7 आपके आपके स्क्रीन के ऊपर खुला रहेगा, और आप उसको धड़ 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 करके कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।